Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. So first we'll, history में उनके जो father या grandfather थे उनका नाम था Amenhotep III. Amenhotep III जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा powerful pharaoh थे. Pharaoh का मतलब होता है राजा. उन्होंने चार decades तक वहाँ पे rule किया था, till the end of 18 dynasty's golden age. अब Amenhotep III के बाद आते हैं Amenhotep IV. Amenhotep IV ने अपना नेम चेंज कर लिया था टू एखेनातेन और उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था थीब से एखेतातेन एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग लॉर्ड एटेन हु वाज द सन डिस्क. अब सबसे बुरा काम उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लॉर्ड अमून के ऊपर अटैक किया था, उनकी इमेजेस शैटर कर दिए थे, उनके टेम्पल्स क्लोज कर दिए थे और इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम उनकी जो डायनेस्टी में था वो शुरू हो चुका था. अब Amenhotep IV की जो डेथ के बाद नेक्स्ट सक्सेसर उनके आते हैं Semenkhkhe. Semenkhkhe ने बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रूल किया था, इतना कम टाइम पीरियड कि अब वहाँ पे उनका कोई ट्रेस भी नहीं है कि ऐसा कोई रूलर आया था या फिर उन्होंने कुछ काम कराया. Semenkhkhe के बाद आते हैं किंग टट, जिनका ओरिजिनल नेम था Tutankhaten. Tutankhaten का नेम जो है वो चेंज हो चुका था टू Tutankhamun, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ द गॉड अमून. अब जब Tutankhaten वहाँ पे आई, उनको ज़्यादातर लोग ना किंग टट के नाम से ही जानते थे, उन्होंने आते ही वहाँ पे जो पुराने तरीके उनको रिवाइव करना शुरू कर दिया. 9 years तक वहाँ पे उन्होंने रूल किया. 9 years के बाद उनकी अनएक्सपेक्टेड वे में डेथ हो गई. किसी को नहीं पता उनकी डेथ कैसे हुई या किसने की, लेकिन सब एक अज्यूम करते हैं कि उनकी डेथ में भी किसी मर्डर की वजह से हुई, उनको किसी ने मर्डर किया हो, बिकॉज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में उनकी डेथ हुई थी. नाउ वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जब ज़ही हवास जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं किंग टट की मम्मी के लिए. अब किंग टट की जो मम्मी है वो एंशियंट इजिप्ट सिमेट्री, जिसे हम वैली ऑफ द किंग्स भी बोलते हैं, वहाँ पर रखी हुई थी. जिस दिन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और वो डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे हर जगह डस्ट उड़ रही है, बहुत ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. ये किस दिन हुआ था, January 5, 2005 एट 6 PM. वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी जो किंग टट की मम्मी थी, उन्हें सिटी स्कैन के लिए लेके जाते हैं. सिटी स्कैन के लिए इसलिए लेके जाते हैं ताकि उनकी डेथ की जो मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे हुई और किस तरीके से हुई, वो सॉल्व कर सके. उनकी डेथ को हुए हुए एग्जैक्ट 3300 years ऑलमोस्ट हो चुके थे. नाउ वी सी कि वहाँ पे जब वो आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं, लाइन लगी होती है टूरिस्ट की और वो जो टूरिस्ट है वो किंग टट को अपने रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं. कई लोग वहाँ पे पेंटिंग्स देख रहे हैं, कई लोग किंग टट का फेस देख रहे हैं और जो उनका फेस है वो सबसे अट्रैक्टिव मोमेंट था, क्योंकि किंग टट का जो कॉफिन था वो भी उनकी फेस और उनकी बॉडी के शेप में बना हुआ था. अब कई लोग जो थे वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, कई लोग फैरो के कर्स के बारे में सोच रहे थे. अब फैरो का कर्स क्या था कि अगर तुम किंग टट की बॉडी को डिस्टर्ब करोगे तो या तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा. और कई लोग सोच रहे थे कि इनकी अनटाइमली डेथ कैसे हो गई या किसने की होगी, सो दे वर ऑल थिंकिंग अबाउट इट. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं किंग टट का कॉफिन है और उनका जो कॉफिन है वो भी बिल्कुल उनके फेस की शेप में बना हुआ है. ये उनकी नीचे मम्मी थी और सब कुछ गोल्ड में बना हुआ था और दिस शोज दैट दे वर वेरी वेल्दी. नाउ वी कम टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्वर्ड कार्टर. अब ज़ही हवास जो है वो बताते हैं कि इससे पहले भी किंग टट की मम्मी की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी 1920 में, और वो किसने की थी, हॉवर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. अब जिस दिन हॉवर्ड कार्टर आए थे उन्होंने जब ग्रेव को खोला तो उन्हें वहाँ पे एवरीडे यूज़ की चीज़ें मिली थी, जैसे कि ब्रॉन्ज रेजर, लाइन इन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, केसेस ऑफ वाइन. अब ये सारी एवरीडे यूज़ की चीज़ें ग्रेव में क्यों रखी हुई थी, क्योंकि तब के लोग जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. वो लोग बिलीव करते थे कि किंग टट की डेथ के बाद भी उनकी कोई लाइफ होगी जिसमें उनके ये रोज की जो चीजें हैं उसकी जरूरत पड़ेगी. बरियल इन मार्च और अप्रैल. अब जिस दिन वो हॉवर्ड कार्टर है वो उनकी कॉफिन को खोलते हैं तो वो देखते हैं उनकी जो कॉफिन है वो 3 layers में. पहली लेयर खोलते ही उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, बहुत सारे लीव्स मिलते हैं. और वो कौन से फ्लावर्स थे, गार्लेंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स. अब ये सारे जो फ्लावर्स हैं ना ये या तो मार्च में होते हैं या फिर अप्रैल में होते हैं, तो इससे सब लोग अज्यूम करते हैं कि जो उनका बरियल है वो या तो मार्च में हुआ होगा या फिर अप्रैल में हुआ होगा.
अब जब वो नेक्स्ट लेयर खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी जो मम्मी है उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, उसमें रिचुअल रेजन्स डाल रखे थे जिसकी वजह से जो किंग टट की मम्मी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी और वो बिल्कुल उनका जो बॉटम था ना उससे चिपक चुकी थी, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हॉवर्ड कार्टर क्या सोचते हैं कि हम इनकी बॉडी को बाहर सन में रख देंगे, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत गर्मी है, एक डेजर्ट एरिया है तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर हीट भी कितनी ज़्यादा होगी। 144 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो उनकी मम्मी को हीट करते हैं लेकिन इस सब के बाद भी वो उसको नहीं बाहर निकाल पाते। फिर वो क्या सोचते हैं कि हम इसको चिजल डाउन कर देते हैं और चिजल डाउन करते हैं। जैसे वो चिजल डाउन करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है गोल्ड के साथ और रिचुअल रेजन डाल रखे हैं और वो सब सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे अलग कर सके। अब वो जब नेक्स्ट लेयर खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं, नीचे बहुत सारा गोल्ड है, ग्लिटरिंग गोल्ड्स है, नेकलेसेस है, रिंग्स है, सैंडल्स है और सारी चीज़ें गोल्ड की बनी हुई है। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि तब के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। जो लोग एक ग्रेव में इतना सारा गोल्ड डाल सकते हैं वो कितने ज़्यादा वेल्दी होंगे, ठीक है। अब वो उसकी डेकोरेशन से अलग करने के लिए किंग टट की मम्मी को वो क्या करते हैं, उसे चिजल डाउन करते हैं। जब वो चिजल डाउन करते हैं उसको तो वो पहले उनका हेड निकालते हैं, फिर उनकी बाकी बॉडी निकालते हैं और वो उसको सबको रीअसेंबल करते हैं सैंड के ऊपर। वापस आ जाता ही हवास की इन्वेस्टिगेशन पे, जो कि बताते हैं कि अब जो आर्कियोलॉजी है उसका फोकस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो अब बहुत कम फोकस करती है ट्रेजर के ऊपर और ज़्यादा फोकस किस पे करती है, अट्रैक्टिव डिटेल्स के ऊपर, डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने के ऊपर। और वो क्या बताते हैं कि 40 ईयर्स के बाद भी वो बताते हैं कि जो किंग टट की मम्मी है उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और जो उनकी फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग थे। अब यहाँ पे वो सिटी स्कैन के लिए जब ज़ही आवास लेके जाते हैं तो सारी बॉडी को रिकॉर्ड करते हैं, पहले उनका हेड अंदर जाता है सिटी स्कैन के लिए और 1700 एक्सरे इमेजेस वो लेते हैं। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या फिर वो स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, एकदम से उनकी स्कैनिंग मशीन ना बंद हो जाती है, उसके फ़ैन्स जो है कूलर फैंस वो बंद हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी सैंड चले जाती है जिसकी वजह से कूलर फैन वर्क नहीं कर पाते। तो बाहर एक गार्ड बैठा होता है और वो क्या कहता है कि ये पक्का ना फैरो की कर्ज की वजह से। अब फैरो का कर्ज क्या था कि अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे किंग टट की मम्मी को तो या तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो वो बाहर से और ज़्यादा एडिशनल पेयर ऑफ फैंस लेके आते हैं जिससे दोबारा स्कैनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं, सारी वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है, सारी इमेजेस जो है ले ली उन्होंने और सब। जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं तो उनकी जो किंग टट की मम्मी है उसकी बॉडी को वो दोबारा वर्कमैन के पास दे देते हैं और दोबारा उन्हें पहले जैसे जैसे कॉफिन में रखा हुआ था उनकी सिमेट्री में वहाँ पर रख देते हैं। किंग टट की बॉडी को वहाँ कॉफिन में रखने के बाद वो सारे वर्कमैन जो है वो बाहर अपनी व्हीकल पे जाते हैं। व्हीकल में जाने के बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उनकी इमेजेस देखते हैं। जैसे जैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं वो देखते हैं कि एक डॉटेड वे में पहले उनका हेड फॉर्म हो रहा है, फिर उनकी बाकी बॉडी फॉर्म हो रही है और वो देखते हैं कि जो पिक्चर्स है वो इतनी ज़्यादा क्लियर है कि ऐसे लगता है किसी एनाटॉमी क्लास में ली गई हो, ठीक है। और उसके बाद नेक स्पाइनल बोन्स, उनके रिब्स और उनके हैंड स्कल सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब जो ज़ही हवास है वो क्या कहते हैं कि इतना टाइम से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में था कि सारा काम जो है वो सही तरीके से हो जाए, अब जब सब कुछ हो चुका है तो अब मैं पीसफुली सो सकता हूँ। और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत कूल हो जाता है उनकी सिमेट्री में उनको किंग टट की मम्मी को रखने के बाद। और उनका एक बिलीफ है कि जो किंग टट की मम्मी की बॉडी है उस पर हमेशा कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स जो है वो हमेशा उस पर निगरानी रखते हैं। So this is how the story ends. I hope that you all understood the chapter. Till then, I'll see you in the next video. Bye.